नृत्य हरिद्वार से हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी मंदिर निर्माण की कार्यशाला में आज अयोध्या पहुंचे। वहीं स्वामी प्रबोधानंद ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण हो और उसमें रामलला विराजमान हो जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। वहीं ट्रस्ट में शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि संतों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये काम सरकार का है, महात्मा नहीं तय करेंगे। ट्रस्ट में कौन शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ट्रस्ट बनाने को कहा है। अगर कोई महात्मा लड़ता है वह अनावश्यक है, तो उसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा है कि देश के राम सबके हैं, राम जन जन के राम हैं, इसलिए इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, अब उन पर कोई विवाद नहीं रहा। वहीं भारत के जन जन को अब मोदी और योगी का पूरा विश्वास है, जो निर्णय करेंगे वह देश समाज राज्य के हित में करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही किसी संतों को और ना किसी देश के अन्य व्यक्ति को होना चाहिए। वहीं जन्मभूमि निर्माण कार्य में हिंदू रक्षा सेना की जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि सेना सब पर नजर रखे हुए है, तो उसका समाधान करने का काम ही है और हिंदू रक्षा सेना के सब लोग मिलकर कि पत्थर धोने से लेकर के जो काम दिया जाएगा हम उसे अपना सौभाग्य समझेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 5 लाख के आसपास हिंदू रक्षा सेना कार्यकर्ता सदस्य हैं, सब अयोध्या आएंगे, मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरा प्रथम तो आपको आने के पीछे उद्देश्य था, क्योंकि 3 नवंबर को जब पिछली बार मैं आया था तो आपने, मैंने जब कहा था कि यहाँ पर जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, वो मेरे देश का नहीं, तो आपने उसको बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज बनाई थी अयोध्या के लोगों ने, तो इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत पुनः आभार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी प्रकार से आगे जब तक श्री राम जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर न बन जाए और उसमें रामलला विराजमान हो जाए और उद्घाटन हो जाए, तब तक उसका आप इसी प्रकार सहयोग करते रहें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है, विश्वास है। राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि न्यास जो बनने वाला है, एक तो पहले से ही श्री राम जन्मभूमि न्यास है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक न्यास बनाया जाए, लेकिन ये काम सरकार का है। अगर कोई महात्मा लड़ता है तो अनावश्यक लड़ता है, ये महात्मा तय नहीं करेंगे, ये तय भारत सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि आप एक न्यास बना दें जिससे उसकी व्यवस्था ठीक से रहे, तो लड़ने का कोई औचित्य नहीं, और कोई लड़ता है तो अनावश्यक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि महात्माओं की आप लोग लड़ाई मान लेते हैं, बहुत ही मस्ती है, तो मस्ती भी हो सकती है। तो राम क्योंकि देश में सबके हैं, राम यहाँ के जन जन के राम हैं, इसलिए ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में ये साफ स्पष्ट किया है कि राम भारत के जन जन के राम हैं और सर्वमान है, सबकी आस्था और श्रद्धा है उनसे, इसीलिए उन पर अब कोई विवाद नहीं है और विवाद की कोई संभावना भी नहीं है किसी कीमत पर। और भारत के जन जन को अब मोदी और योगी पर पूरा विश्वास है, वो जो निर्णय करेंगे वो देश समाज राष्ट्र हित में करेंगे, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है और किसी प्रकार का हमको संदेह नहीं करना चाहिए, न किसी संत को और न किसी देश के किसी अन्य व्यक्ति को। आप इतने वर्षों से राम जन्मभूमि में आ गए, राम जन्मभूमि इस निर्माण कार्य में हिंदू रक्षा सेना की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो ये है कि सबको बात करने का, देखने का, कहाँ कोई किसी को विवाद उत्पन्न करता है तो उसका समाधान करने का प्रमुख काम ही है। और हिंदू रक्षा सेना को सब लोग मिलकर के गारा धोने से लेकर के ये पत्थर धोने से लेकर के जो काम दिया जाएगा हम उसे अपना सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि मैं इसलिए सौभाग्य कह रहा हूँ कि ताला खुलने के आंदोलन का अंतिम पड़ाव का नेतृत्व करने का पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी के सानिध्य में मुझे अवसर मिला है, ताला खुलने का वो मैंने दृश्य देखा है, उसमें प्रतिभागी रहा हूँ। अगर मुझे कहीं ईंट गारा धोने का अवसर मिलेगा तो मेरा सौभाग्य होगा और हिंदू रक्षा सेना का भी सौभाग्य होगा। कितने आपके समर्थक संगठन में कितने लोग हैं? पूरे देश में 5 लाख के आसपास हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता सदस्य हैं और वो सब यहाँ पर आएंगे अयोध्या, ईंट गारा जो जरूरत होगी सब सहयोग करेंगे। ठीक।